जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या किसी नेगेटिव सिचुएशन में, तब हमें हमारे दोस्त और हमारे परिवार वाले यह दो शब्द बी पॉजिटिव। आप में से कई लोगों को ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। बिजनेस में घाटा हो, फैमिली में टेंशन हो, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत हो, अक्सर लोग ना चाहते हुए भी परेशान हो ही जाते हैं और हमारी सोच को नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं। अनचाहे तौर पर भी दुनिया भर की गलत बातें चलती रहती है और हम उनसे पार नहीं हो पाते। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खुद को पॉजिटिव रखना। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप खुद को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रख सकते हैं। रूल नंबर 1, अच्छी चीजों पर अपनी ध्यान केंद्रित कीजिए। जिंदगी में मुश्किलों का आना जिंदगी का ही हिस्सा होता है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। यह किसी के भी साथ हो सकता है, कोई आम आदमी हो, कोई फिल्म स्टार, कोई जॉब करने वाला आदमी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन। सबकी अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती है। बिजनेस में मिलियन डॉलर का नुकसान हो या फिर इलेक्शन में पॉलिटिशियन की हार, कभी न कभी हम फेल जरूर होते हैं। अब जिंदगी वहीं थमी नहीं रह सकती, इसलिए अब आगे क्या करना है, किस चीज में बेहतर हो, इस पर ध्यान लगाना जरूरी है। हम हिम्मत हार कर नहीं बैठ सकते। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट एक सेम में फेल हो गया, अब वह इसी के बारे में सोचता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। कोशिश यह होनी चाहिए कि अगर और बेहतर तैयारी करके एग्जाम दिया जाए। इसलिए आप अपने आसपास के किसी बेहतर चीज पर ध्यान लगाए वह कीजिए जो आप करना पसंद करते हैं। रूल 2, किताबें पढ़िए। एक स्टूडेंट की तौर पर हम सिलेबस की किताबें पढ़कर इतने उब जाते हैं कि अलग से कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता, या पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पढ़ने की आदत हम छोड़ ही देते हैं। ऐसे में अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हैं, तो खुद को मोटिवेट करने के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आप दुनिया भर की सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए। इससे की शक्ति बढ़ेगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदलेगा और आप कुछ ही टाइम में खुद को बदला हुआ सा पाएंगे। अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर, रोंडा बयने की द सीक्रेट, डेल कार्नेगी की हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसी ढेरों किताबें हैं जो आपको सही सोचने में मदद करेगी और धीरे धीरे आप बुक रीडिंग की एक अच्छी आदत भी बना लेंगे, जो सोशल मीडिया पर यूं ही टाइम वेस्ट करने से कई बेहतर और क्रिएटिव तरीका है। रूल 3, अपनी गलत संगत बदलिए। हिंदी में एक कहावत आपने अक्सर ही लोगों को बोलते देखा होगा, संगत का असर है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से काम करता है। हमें बड़ा होता देख हमारे घर वाले भी हमसे यह कहते हैं, बेटा किसी गलत संगत में कभी मत पड़ना। हमारे आसपास ऐसे ढेरों एक सैंपल्स हैं जिन्हें आपने किसी न किसी को बुरी संगत में बर्बाद होते हुए या अपनी जिंदगी खराब करते हुए जरूर देखा होगा। अब अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपकी कंपनी या आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो वह आपको कोई सही सजेशन या गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। उल्टा कई बार ऐसा होता है कि हमारी मुश्किल का फायदा उठाकर हमारे दोस्त हमें गलत आदतें अपनाने के लिए उकसाते हैं। इसलिए अगर अपनी संगत, अपना एनवायरनमेंट सही नहीं किया, तो जिंदगी में पॉजिटिविटी का आना मुश्किल है। 10 खराब लोगों से एक अच्छा दोस्त बेहतर, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको सही सलाह दे और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। रूल 4, खुद से बात कीजिए। एक इंसान का खुद से बात करना बहुत जरूरी होता है। यह वह तरीका है जिससे आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं कि आपने क्या बेहतर किया, आपसे क्या गलती हुई, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप जिंदगी को कैसी दिशा देना चाहते हैं और आगे आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको सबसे बेहतर तरीके से कोई जानता है तो वह आप ही हैं। आपकी स्ट्रेंथ, बाकी वीकनेस, आपकी कैपेबिलिटी को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए जब भी मौका मिले खुद से बात कीजिए और खुद को मोटिवेट करते रहिए। द सीक्रेट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्सियस माइंड जैसी किताबें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आपको जहां भी अच्छा लगता हो उस जगह पर चले जाए और रिलैक्स होकर खुद से बातें कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि गिल्ट फील होना अच्छी बात है, पर बार बार खुद को कोसने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि यह सोचिए कि अब आगे क्या करना है, उसकी प्लानिंग कीजिए, उस पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स बढ़ाए और खुद को प्रूव कीजिए। रूल 5, अपनी छोटी छोटी आदतों में पॉजिटिविटी लाए।
छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। जैसे अगर आप सुबह सोकर उठ रहे हैं तो मेडिटेशन करने की आदत डालिए, वॉक पर जाए, एक्सरसाइज कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी बॉडी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगी और मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स और कोट्स से कीजिए। अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर कोई ऐसी चीज रखिए जिसे देखने पर आपको मोटिवेशन मिले। अपने मोबाइल पर कोई पॉजिटिव कॉलर ट्यून लगवाए या फिर अपने वर्किंग डेस्क पर पॉजिटिव कोट्स का टेबल कैलेंडर रखिए। इससे लोगों को भी लगने लगेगा कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, और अगर आपका कोई दोस्त या और भी आपके सामने नेगेटिव बातें कर रहा है तो उसे टोकिए। अगर वहां रहना मुश्किल है तो उस सिचुएशन को नेगलेक्ट कीजिए। याद रखिएगा, आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। तो दोस्तों, इन बेहतरीन तरीकों को अपनाकर आप भी एक पॉजिटिव इंसान जरूर बनेंगे, और इसके लिए सबसे जरूरी है आपका खुद पर विश्वास। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो एक पॉजिटिव पर्सन कैसे बने जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करें, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।